मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए विवश हूं। तो दोस्तों, आज सुबह जब मैं आदि पुरुष फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर के अंदर गया, जब मेरे मन में एक सवाल था कि क्या इतने बड़े ग्रंथ को सिर्फ 3 घंटे की फिल्म में फिल्म के मेकर्स सही से दिखा पाएंगे या नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां पर लग रहा था कि रामायण जो कि इतना बड़ा ग्रंथ है जिसको अगर हम बनाने जाए तो लगभग 5 से 6 घंटे की फिल्म बन सकती है, लेकिन क्या ओम रोथ ने 3 घंटे में रामायण को जस्टिस किया या नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यहां पर आदि पुरुष फिल्म शुरू होती है, फिल्म के मेकर यानी कि हमारे ओम रोथ ने फिल्म को इतने स्मार्टली बनाया है कि पूरे ग्रंथ को सिर्फ 3 घंटे के अंदर हमें इतने सही तरीके से समझाया जाता है जिससे देखने में एक अलग ही सुकून मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म रामायण पर बेस्ड अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म देखने के बाद मेरा दिल पूरी तरह से खुश हो गया और मैं यही कहूंगा कि ओम रोथ ने रामायण का पूरी तरह से जस्टिस किया और आदि पुरुष फिल्म इस साल की वन ऑफ द गेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी है। क्योंकि दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म में एज अ प्रभु राम के किरदार में प्रभास ने पूरी तरह से जान डाल दी और प्रभास का जो करिश्मा है, जो उनका चार में एज श्री राम के अवतार में, वो बड़े पर्दे पर देखने लायक है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म में सीता माँ के किरदार में कृति सेनन ने इतना शानदार काम किया है, फिर चाहे वो इमोशनल सीन्स का हो या प्रभु श्री राम के साथ में उनके जो कुछ एक अच्छे पल थे वहाँ की बात हो, सेनन पूरी तरह से उभर के सामने आई है। दोस्तों, सही मायने में कहा जाए तो यहां पर आदि पुरुष फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है एज अ विजुअली देखने में। क्योंकि दोस्तों, जब आप इस फिल्म को 3D में बड़े पर्दे पर देखते हो तो इसे देखने का जो अनुभव है वो काफी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि फिल्म के जितने भी विजुअल है वो देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फिल्म में इमोशन एक्शन को जिस तरह से परफेक्ट बैलेंस किया है डायरेक्टर ने, इसके लिए तो उनकी तारीफ बनती है। आज के जमाने में दोस्तों, जो नए जनरेशन है उन्हें आदि पुरुष फिल्म देखकर रामायण की जो सच्ची जानकारी है वो मिलने वाली है। अब दोस्तों, फिल्म के अंदर लंकेश यानी कि हमारे सैफ अली खान का जो काम है वो आप सबका दिल जीत लेगा। फिल्म के मेकर्स ने लंकेश का ज्यादा रोल ट्रेलर में नहीं दिखाया था, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आप यही कहोगे कि यहां पर रावण के किरदार के लिए सैफ अली खान से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। क्योंकि दोस्तों, यहां पर रामायण यानी कि आदि पुरुष में प्रभु श्री राम के अवतार में प्रभास ने और रावण के किरदार में सैफ अली खान ने पूरी तरह से जान डाल दी, और इन्हें जब आप स्क्रीन पर देखोगे और फिल्म देखकर बाहर निकलोगे तो अगर आप राम को याद करोगे तो आपके दिमाग में प्रभास का चेहरा आएगा और रावण को याद करोगे तो सैफ अली खान का चेहरा आएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर फिल्म की कास्टिंग तो जबरदस्त है, लेकिन जब आप मैं इस फिल्म को सुबह सुबह देख रहा था ना सिनेमाघरों में, हर एक सीन पर पब्लिक इतनी सीटियां और तालियां बजा रही थी कि देखकर दिल खुश हो गया, और बहुत सारे सीन पर तो पूरा थिएटर जय श्री राम के नारों से गूंज गया। दोस्तों, खास करके फिल्म के जो लास्ट के 40 मिनट है वो इतने बेहतरीन है कि आपकी टिकट के जो पैसे है ना वो तो लास्ट के 40 मिनट में वसूल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट के जो 40 मिनट है जहां पर युद्ध होता है विजुअली वो इतना ग्रैंड है कि आप बोलोगे कि भैया इसके सामने तो मार्वल की बड़ी बड़ी फिल्में फेल है। तो दोस्तों, ओवरऑल यही कहूंगा कि यहां पर ओम रोथ ने आदि पुरुष एक काफी परफेक्ट फिल्म बनाई है, जहां पर उन्होंने एक्शन, इमोशन और हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बड़े पर्दे पर पेश किया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आदि पुरुष फिल्म देखना चाहिए या नहीं, तो आपको यही कहूंगा कि आदि पुरुष फिल्म रामायण पर बनी अब तक की परफेक्ट फिल्म है, इसे आप सिनेमाघर में जाकर देखिए, आपका पूरा पैसा वसूल होने वाला है फिल्म देखते वक्त। क्योंकि दोस्तों, यहां पर आदि पुरुष फिल्म ने रामायण की पवित्र कथा को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे सामने पेश किया है। तो मुझे तो आदि पुरुष फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई और मैं इस फिल्म को दूंगा 4 out of 5 star, और मैं कहता हूं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होगी और फिल्म का जो कलेक्शन है वो तो सबको फाड़ के रख देगा। जी हां दोस्तों, वैसे ही यह फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड मार्केट में 100 crore to 150 crore के बीच की शानदार कमाई करने वाली है, और अब तो फिल्म इतनी शानदार बनके तैयार हुई है यानी कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के जो फाइनल कलेक्शन है वो मिनिमम 1500 crore तक जाएंगे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो दोस्तों, किस बात का है इंतजार, अभी आदि पुरुष फिल्म की टिकट बुक करिए और देखिए फिल्म आदि पुरुष अपने पूरे परिवार के साथ। यकीन मानिए फिल्म
फिल्म देखने के बाद आप खुद बोलोगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।